यह मेला हरियर क्षेत्र के नाम से विख्यात है। इस बार इसमें झूला भी आ रहा है जो मेला में पहली बार आ रहा है। रस्सियां झूला आ रहा है, नाव का जो एक नाव वाला झूला है। यहाँ पर ये तारा माछी लगने वाला सबसे बड़ा वाला, यहाँ पे मीना बाजार लगेगा। इससे बड़ा कोई नहीं बनाया, इससे बड़ा मतलब इंजीनियर का दिमाग ने काम कर रहा है जो हम लोग। पूर्व में यह पशु मेला के नाम से जाना जाता था, ये खत्म हुआ उसे दो दिन बाद से ही आ जाता है। हाँ, इधर ऊनी वाला कपड़ा बिकेगा। यहाँ थिएटर है, कौन कंपनी का थिएटर? सुभाष सम्राट का। अलग अलग पछला झूला का नाम कुछ बता सकते हैं? एक सुनामी करके यहाँ से मेला आने के बाद अगर हरियर क्षेत्र का दर्शन नहीं किए हरियर नाथ मंदिर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेला के घूमने के साथ साथ पहले पूजा कीजिए हरियर नाथ बाबा का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आ गए नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सोनपुर, और सोनपुर में एक बार फिर से लगने जा रहा है विश्व प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी और सोनपुर मेला के भी नाम से जाना जाता है। ये मेला बिहार के सोनपुर में लगता है, जो कि पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोनपुर मेला कब से लग रहा है, इस बार क्या खास है सोनपुर मेले में, कितने प्रकार के झूले होंगे, कौन कौन से ऐसे झूले हैं जो इस बार आप पहली बार देखेंगे सोनपुर मेला में, कितने थिएटर लग रहे हैं, और इस बार क्या नया लगने जा रहा है सोनपुर मेला में, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा मेला, जो कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में, इस बार आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। आप यहां पहली बार अंडर वाटर फिश टनल देखेंगे। ये फिश टनल बिहार में पहली बार पटना के गांधी मैदान और उसके बाद राजगीर के मलमास मेले में लगा था, और आप इसे सोनपुर मेले में भी देख सकते हैं। गणेश प्रसाद सिंह, हाँ, जरा बताइएगा इस बार सोनपुर मेले के बारे में, क्या क्या अलग इस बार होने वाला है और क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? इस बार मेले में नया चीज मेले के लिए है जी। इससे पहले पटना में और मलमास मेला में मलमास तीसरा बार पहले बार गांधी मैदान में, उसके बाद राजगीर में लगा, तीसरा बार यहाँ लग रहा है। इसके अलावा और क्या क्या रहेगा इस बार? इस बार इसमें झूला भी आ रहा है जो मेला में पहली बार आ रहा है। पहली बार, इससे पहले यहाँ नहीं आया झूला, अलग टाइप का झूला है। झूला का नाम कुछ बता सकते हैं? एक सुनामी करके झूला, सुनामी। अच्छा, उसके बाद झूले चार पांच तरह का झूला जो मतलब कि मेला में पहली बार आया है। राजगीर में लगा था 2-3 झूला, उससे भी अच्छा झूला आने वाला है। यानी इस बार लोगों का पूरा मनोरंजन होगा। मेला कब से शुरू हो रहा है? 25 नवंबर को उद्घाटन है और 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा, 25 नवंबर से मेला चालू हो जाएगा। जी सर, इस बार सोनपुर क्षेत्र का जो नीलामी हुआ है सरकार द्वारा, क्या है उसके बारे में जरा बताइएगा? 3,79,00,000 51,000 हुआ है। 3,79,00,000, हाँ, 51,000 जी हुआ है। और पूर्व से जो पार्टी लेते आ रहा वही पार्टी ले रहे हैं। इसमें आपका क्या योगदान है, आप क्या हैं सर? हम उसमें कंपनी में शेयरदार हैं। हम आर समाज मंदिर के कोषाध्यक्ष। ठीक है, जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार सोनपुर मेला 25 नवंबर से चालू हो रहा है और लोग यहां कार्तिक पूर्णिमा से इस मेले में आना शुरू कर देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि अंडर वाटर फिश टनल का सेटअप किया जा रहा है, और इसके टेक्नीशियन और जो वर्कर हैं वो बिहार के बाहर से आए हैं। ये सारी मछलियां हैं जो आप अंडर वाटर फिश टनल में देखेंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ के जितनी भी मछलियां हैं सारे को यहाँ रखा गया है। अभी टनल सेटअप होने के बाद ये सारी मछलियां को साफ पानी में फिर वहीं उसी टनल में डाल दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरद है। आप लोग कहाँ से हैं? केरला से। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अंडर वाटर टनल का इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग। कितने आप लोग स्टाफ लोग हैं काम करने वाले? इसका पूरा इंचार्ज, मछली का पूरा इंचार्ज तीन ही लोग हैं। और काम करने वाले वर्कर कितने हैं? वर्कर वो तो एक लगभग 25 का ऊपर, 25 से ऊपर होंगे। कब तक आप लोग इसको रेडी कर दीजिएगा? रेडी एक्चुअली अभी हमको टाइम है, ये तो 5 दिन में 6 दिन में लगभग रेडी हो जाएगा। चलिए,
हम लोग घोरा बाजार की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं घोरा बाजार, यहाँ से घोरा बाजार शुरू हो जाता है और घोरा से या जानवरों से रिलेटेड सामग्री जो जैसे रस्सी, जाली, मास्क जो होता है वो लगभग दुकान लगना इसका शुरू हो गया है। आप क्या चीज का सामान आप लोगों के पास है? घोरा से रिलेटेड, घोरा गाय, जानवर से रिलेटेड सारा कुछ, रस्सी से लेके मास्क का सारा कुछ आप लोग रखते हैं। मेला कब से लग रहा है? ये लगेगा आपको कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा से। और घोड़े के व्यापारी लोग कहाँ कितना दिन पहले आ जाते हैं? ये छठ खत्म हुआ उसे दो दिन बाद से ही आ जाते हैं, यानी मेला से मतलब नहीं है, मेला से पहले ही वो लोग आ जाते हैं। मेले में तो जम के रहते ही हैं। तो हम लोग आगे अभी चल रहे हैं घोरा बाजार, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से लगता है, तब वीडियो में बने रहिए। आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ वो रोड से, रोड के दोनों तरफ आपको खाली घोड़ा ही घोड़ा नजर आने वाला है। और इस बार सुनने में आया है कि काफी बृहत रूप यानी पिछले से भी ज्यादा घोड़ा इस बार नजर आएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं लोग अभी टेंट वगैरह लगा कर शुरू कर दिए हैं, अभी एक दो घोड़ा आपको नजर भी आएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। और अभी हम लोग पहुंच गए कुत्ता बाजार जो पहले चिड़िया बाजार था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े झूले झूले जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। और अभी से ही झूले का सेटअप शुरू हो गया है। इस बार बहुत अलग टाइप का झूला यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाला है। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं और बात करते हैं किस टाइप के झूले यहाँ लग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू भंडारी। राजू भंडारी, यहाँ किस किस तरह का झूला इस बार लगने वाला है यहाँ पे? यहाँ पर ये तारा माछी लगने वाला सबसे बड़ा वाला। हाँ? इसके बाद इसमें नाव लगेगी। अच्छा? बगल में जादू लगेगी, जादू के बगल में ब्रेक लगेगी। मतलब हम लोग सब कैप्चर में है यहाँ पर। हाँ? लगभग चार आपके अंडर में झूला रहेगा। ठीक है, कब तक ये झूला लगभग बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा? कम से कम हफ्ता दिन से दस दिन। हफ्ता से दस दिन में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कहाँ से है? हम लोग बिहार से है, कोई बंगाल से है। ये झूला का जो मालिक है वो कहाँ से? बिहार से। यानी अपने बिहार के ही लोकल ही है। चलिए, किस टाइप का झूला बता रहे थे कि इससे बड़ा कोई नहीं बना है? इससे बड़ा मतलब इंजीनियर का दिमाग ने काम कर रहा है। जो हम लोग झंडा जो लगा हुआ है तो इसके ऊपर लगने के बाद में हवा ऊपर से बहुत रुख बहुत ज्यादा है, झंडा का तोड़ सकता है। झंडा का तोड़ेगा तो मतलब की पूरा झूला हिला देगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत। ये मेला प्रदर्शनी स्थल है और यहाँ पे देखिए मेला से लेकर साफ सफाई जारी है। साफ सफाई, ये फील्ड को पूरा साफ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे बड़े बड़ा टेंट लगेगा। अब आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे साफ सफाई कर चल रहा है। किस चीज का साफ सफाई हो रहा है छोटू? मेला के लिए हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा? झूला उलवा लगेगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे मीना बाजार लगेगा। मीना बाजार? हाँ, छिलाई वाला काम आज से चालू हुआ है। कहाँ कहाँ लगेगा आपका? यहाँ लगेगा, उधर आगे झूला लगेगा। आगे झूला लगेगा। हाँ, इधर ऊनी वाला कपड़ा बिकेगा। हाँ हाँ, यही सब है। अच्छा। आगे भी वहाँ मजदूर लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ कुछ प्रशासनिक भी प्रदर्शनी क्षेत्र बनता है, वो सब उधर का है क्या? हाँ हाँ, उधर गेट बना हुआ है। हाँ, जो यहाँ सामने थिएटर लगता है, आगे वो थिएटर का है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं थिएटर में भी साफ सफाई काम चल रहा है, जारी है। जाते हैं वहाँ भी आपको दिखाएंगे हम लोग। तो चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप लोग? नवतपुर से। नवतपुर, यहाँ पे क्यों आए हैं? दुकान लेने के लिए। किस चीज का दुकान है आपका? मोजा टोपी का। अच्छा, उलेन का। तो आप लोग उलेन के लिए यहाँ पर किन से बात करेंगे आप? वहाँ पे जाने पड़ेगा। कहाँ पे? वो जो पीला टेंट बना हुआ है। हाँ। वहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, वही आपको कैसे के लगभग पिछले साल भी आए थे आप लोग? हाँ, पिछले साल। कितना लगा था आप लोग को एक महीना के लिए? एक महीने के लिए 1.5 लाख रुपया। डेढ़ लाख लग गया था। इस बार आप देखिए कितना में बात होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान वाला क्या चीज लगेगा इसमें? किसान ट्रैक्टर बीज। हाँ। उसका और क्या लगता है? वो गेहूं, मूंग, खूक, यानी सब किसान से रिलेटेड मेला यहाँ लगेगा। जी, किसान वाला है। ठीक है, आपका आप लोग कहाँ से है? कल्याणपुर से। यही कल्याणपुर, यही लोकल है? हाँ, लोकल है। चलिए देखिए, ये लोग मजदूर है, यहाँ सब फील्ड को साफ सुथरा कर रहे हैं, छील रहे हैं, इसको देख सकते हैं और भी देख सकते हैं आगे वो लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं दो तीन और इधर भी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं ये फील्ड में। यहाँ ऊनी का, किसान का, बीज का, ये पूरा फील्ड उसी लिए तैयार किया जा रहा है। और रोड के उस साइड अगर आप देखते हैं वहाँ, तो वहाँ से शुरू हो जाता है थिएटर, लगातार चार पांच थिएटर। और कुछ कुछ थिएटर के मालिक यहाँ पहुँच भी गए हैं, अपना काम करवा रहे हैं, वो लोग भी साफ़ सुथरा करवा रहे हैं। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं वहाँ पर।
चलिए हम लोग अब आ गए हम लोग थिएटर के एरिया में। यहाँ आप देख सकते हैं गुलाब विकास का यहाँ लगा हुआ है, अभी बोर्ड रुकिए आपको जूम करके दिखाते हैं, विकास लिखा हुआ है क्योंकि फट गया है पूरा। आपका नाम इसका गुलाब विकास थिएटर है, और इसके बगल में भी थिएटर है, उसके बगल में भी थिएटर, यहाँ लगातार चार पांच बड़े बड़े थिएटर लगते हैं, और उसका भी साफ़ सुथरा का काम चल रहा है यहाँ पे। क्या चीज़ का साफ सुथरा काम चल रहा है चाचा, यहाँ क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ थिएटर है, कौन कंपनी का थिएटर? शोभा सम्राट का है ये, आप देख सकते हैं यहीं पर शोभा सम्राट थिएटर लगेगा आपको। और मजदूर लोग जो हैं ग्राउंड को साफ सुथरा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं ये स्टेज बनने वाला है शोभा सम्राट थिएटर का, और बगल में भी इंडिया न्यू इंडिया थिएटर है, उसके बगल में आपका गुलाब विकास थिएटर हम लोग दिखाए थे। यहाँ पे लगातार चार थिएटर रहते हैं, और थिएटर के जो पीछे है वो सरकारी सरकार द्वारा प्रदर्शनी क्षेत्र होता है, और यहाँ देखिए ग्राउंड को पूरा साफ किया जा रहा है। यहाँ भी एक थिएटर लगता है पायल एक नज़र, और यहाँ भी देखिए इसके ग्राउंड को साफ किया जा रहा है, और बांस बल्ला गिर चुका है और थिएटर का काम चालू है। दोस्तों सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही प्राचीन बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, जहाँ विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ आपको हरि के साथ हर मतलब विष्णु के साथ भगवान शिव के प्रतिमा को आप साक्षात देख सकते हैं। सोनपुर मेला आइए तो एक बार ज़रूर आप हरिहरनाथ मंदिर का दर्शन करें, और साथ ही साथ एक और फेमस मंदिर है जिसे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों मंदिर को आप यहाँ दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ और छोटे छोटे बाज़ार लगने शुरू हो गए हैं, और लकड़ी बाज़ार भी लगभग शुरू हो गया, हालांकि लकड़ी बाज़ार कुछ परमानेंट दुकान भी यहां पे होते हैं, और कुछ नए नए भी लगने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये अभी तक का अपडेट था सोनपुर मेला का, इसके अलावा और जैसे जैसे नया चीज़ जो भी यहाँ बनने वाला होगा और कुछ नया आने वाला होगा तो समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।